हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 99 करने जा रहे हैं। सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कहता है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. तो सेक्शन 19 इंडियन पीनल कोड का कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे कि आप समझ सकते हैं पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, SHO है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो ये लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो जब कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ का मतलब सद्भावना नहीं होता, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि इंडियन पीनल कोड में गुड फेथ का मतलब होता है पूरी सावधानी बरतते हुए, जितनी भी सावधानी बरती जानी चाहिए पूरी सावधानी बरतते हुए विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, गुड फेथ का मतलब ये होता है। तो जब कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब अपने ऑफिस के कार्य को करते हुए, यानी जो भी वो कार्य कर रहा है अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कर रहा है, यह है यहाँ भी जरूरी शर्त है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वह अपने ड्यूटी का काम कर रहा हो। अगर ड्यूटी का काम नहीं कर रहा है तो फिर सेक्शन 99 पिक्चर में नहीं आएगा। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी ड्यूटी निभा रहा है और उसके इस कार्य से किसी व्यक्ति को अपनी डेथ होने की आशंका नहीं है, किसी व्यक्ति को यह आशंका नहीं है कि मुझे गंभीर चोट लग जाएगी या मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। बेशक जो कार्य पुलिस ऑफिसर कर रहा है, बेशक जो कार्य पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, वह कानून के आधार पर बेशक पूरी तरह से वह सही ना हो, हो सकता है अगर हम कानून की कसौटी पर उसे देखें तो हो सकता है वह पूरी तरह खरा ना उतरे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। अब इसको उदाहरण से आप समझें, उदाहरण से समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एक पुलिस ऑफिसर है, वह अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है। ड्यूटी का पालन कर रहा है का मतलब वह एक चोर को अरेस्ट करने जा रहा है। उसे पता है कि यह आदमी एक चोर है, इस घर के अंदर एक चोर घुसा हुआ है और वह उसको अरेस्ट करना चाहता है। तो जब वह उस चोर को अरेस्ट कर रहा है तो चोर को अरेस्ट करते हुए वह उस चोर को 4-5 थप्पड़ मार देता है। तो सवाल यह है कि क्या उस चोर को जो थप्पड़ मारे जा रहे हैं उन थप्पड़ों से खुद को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या चोर को यह अधिकार है कि वह अपना बचाव करे और खुद को थप्पड़ खाने से रोक दे और उल्टा SHO का हाथ पकड़ ले और कहे कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारे, अपने प्राइवेट डिफेंस में कि वह SHO के ऊपर उल्टा हमला कर दे। क्या यह पॉसिबल है, क्या यह अधिकार उसके पास है, इसी का जवाब सेक्शन 99 देता है। तो सेक्शन 99 कहता है कि चोर के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। अगर उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, अगर SHO उसको 2 थप्पड़ मार देता है, 4 थप्पड़ मार देता है, हालांकि SHO ने उसको पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के बाद SHO उसको जीप में बैठा रहा है, तो जीप में बैठाते वक्त SHO उसको 2-4 थप्पड़ उसके सर पे मार देता है। तो हालांकि जब
एसएचओ ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको जीप में बैठा रहा है, तो यह कानूनन सही नहीं है कि एसएचओ उसको थप्पड़ मारे। तो जो उसमें लिखा हुआ है, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाई लॉ, हो सकता है कि कानून के हिसाब से वह स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल ना हो। तो कानून के हिसाब से यह बिल्कुल स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल नहीं है। कानून के हिसाब से हम यह नहीं कह सकते कि कानूनन एसएचओ साहब ने जो किया वह बिल्कुल ठीक था, नहीं, वो बिल्कुल गलत था, कानूनन बिल्कुल गलत था। लेकिन फिर भी चोर को अधिकार नहीं है अपने प्राइवेट डिफेंस का। अगर एसएचओ साहब ने उसको दो चार थप्पड़ मार दिए तो उसको वो दो चार थप्पड़ खाने हैं, उसके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। प्राइवेट डिफेंस का राइट क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 99 कहता है, नंबर वन, आपको यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। नंबर टू, आपको यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि मुझे गंभीर चोट लगेगी। तो चोर को यह आशंका नहीं है कि एसएचओ मुझे जान से मार देगा, चोर को यह आशंका नहीं है कि मुझे गंभीर चोट पहुंचा दी जाएगी। नंबर थ्री, जो एसएचओ है वह पब्लिक सर्वेंट है। नंबर फोर, वह गुड फेथ में काम कर रहा है। नंबर फाइव, वह अपने कलर ऑफ हिज ऑफिस के अंतर्गत काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निर्भाते हुए कार्य कर रहा है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें, कि मृत्यु की आशंका नहीं होनी चाहिए और गंभीर चोट की आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर मृत्यु की आशंका है और गंभीर चोट की आशंका है तो फिर उस चोर को पूरा अधिकार है कि वह अपने शरीर की रक्षा करे। उदाहरण के लिए एसएचओ साहब उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, एसएचओ साहब ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद एसएचओ साहब ने एक लाठी उठाई और लाठी से उसकी पिटाई करने लगे और खींच के एक लाठी उसको मारी, उसके सर में लाठी मारी, खून निकलने लगा, गंभीर चोट उसको पहुंच गई है। या अभी सर में लाठी नहीं मारी है, उसके कंधे पे बहुत जोर से लाठी मारी है और उसको पूरी आशंका है कि अगली लाठी ये मेरे सर पे मार देंगे और मुझे गंभीर चोट लगेगी, तो उस चोर को अपने प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार है और वह अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए स्वतंत्र है, वह लाठी छीन सकता है, वह एसएचओ के ऊपर हमला भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि एसएचओ साहब मेरी हत्या कर देंगे तो वह अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए उसको पूरा अधिकार है, अपने प्राइवेट डिफेंस में वह फिर कुछ भी कर सकता है। यह है सेक्शन 99 जो कहता है। अब सेक्शन 99 में आगे हम चलते हैं। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though the direction may not be strictly justifiable by law. तो जो चीज पहले थी अभी हमने बताई है वही चीज सेक्शन 99 आगे कहता है कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जो पब्लिक ऑफिसर है वह खुद कार्य को कर रहा है और उसके कार्य को करने से अगर सामने वाले को मृत्यु की आशंका नहीं है, गंभीर चोट की आशंका नहीं है, और अगर पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है तो सामने वाले को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अब इसमें यह कहते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के तहत, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के तहत का मतलब जैसे कि एसएचओ साहब है किसी चोर को पकड़ने के लिए गए हैं, अरेस्ट कर रहे हैं करने के लिए और वो चोर भाग निकलता है, तो जब वो चोर भाग निकलता है तो हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है कि सीआरपीसी में हम पढ़ने वाले हैं उस चीज को कि जब पब्लिक ऑफिसर किसी व्यक्ति से हेल्प मांगता है तो वह व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर की मदद करने के लिए बाउंड है। तो जैसे चोर भागा जा रहा है और एसएचओ साहब ने किसी आदमी से कहा जो वहां पे आगे खड़ा हुआ है चोर के पास, तो एसएचओ साहब उससे कह रहे हैं कि पकड़ इसको, पकड़, और वो एसएचओ साहब के कहने पे उसको पकड़ लेता है और एसएचओ साहब गुस्से में कहते हैं कि मार इसको, दो थप्पड़ मार इसको, और वो खींच के उसको एसएचओ साहब के कहने पे दो थप्पड़ मार देता है। तो जब वो एसएचओ साहब के कहने पे दो थप्पड़ मार रहा है या तीन थप्पड़ मार रहा है तो उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उसको थप्पड़ मार रहा है वह उस पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के तहत कार्य कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट
अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है इन गुड फेथ। लेकिन दो चीजें हैं कि चोर को, एक तो यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि यह मेरी हत्या ही कर देगा, दूसरा उसे यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि मुझे गंभीर चोट पहुंचा दी जाएगी। तो यह था सेक्शन 99 का आगे का हिस्सा। अब सेक्शन 99 का आगे का हिस्सा हम पढ़ते हैं। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अब सेक्शन 99 का आगे का हिस्सा कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपके पास तब नहीं होगा जब आपके पास इतना समय था कि आप पब्लिक अथॉरिटी से अपनी सुरक्षा मांग सकते थे। अगर आपके पास इतना समय था कि आप पब्लिक अथॉरिटी से सुरक्षा मांग सकते थे तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा, आत्म सुरक्षा का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि एक आदमी आता है मेरे घर पे और मुझे धमकी दे के चला जाता है, या मेरा झगड़ा हो जाता है किसी से, किसी बात को लेके मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, या मेरी गली के सामने से कोई गुजरा जा रहा था और मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा कि इस गाड़ी को हटा यहाँ से, हमारी कहा सुनी हो जाती है, थोड़ी बात हाथापाई हो जाती है, तो वो मुझे धमकी दे के जाता है। वो कहता है रुक अभी यहाँ पे, मैं अभी आधा घंटे बाद आता हूँ और मैं, या अभी एक घंटे बाद आता हूँ और मैं तुझे आज मजा चखाऊंगा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और हम फिर आराम से घर पे बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। वो एक घंटे बाद वो सच में आ जाता है अपने दो साथियों को लेकर और उनके पास चाकू है और वो हमारे ऊपर हमला कर देता है और हम अपने सेल्फ डिफेंस में उनको जान से मार देते हैं, क्योंकि हमारे भी घर में कुछ था, हमने भी उठा के सेल्फ डिफेंस में उनको गोली मार दी, उनकी हत्या हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हमें प्राइवेट डिफेंस का फायदा मिलेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने जो गोलियां चलाई अपनी रक्षा के लिए चलाई, इसलिए हमें छोड़ दिया जाए, हमने कोई अपराध नहीं किया? जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जिसके तहत ये माना जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो यह कोई अपराध नहीं माना जाएगा, तो क्या यह अपराध नहीं माना जाएगा? इसका जवाब है नहीं, यह अपराध माना जाएगा, आपको सजा मिलेगी। इतना हो सकता है कि आपको मर्डर की सजा ना मिलके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा मिले, हत्या की सजा ना मिलके आपको मानव वध की सजा मिले जो कि हत्या नहीं होती, इतना हो सकता है। लेकिन यह नहीं माना जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय था कि आप पब्लिक अथॉरिटी से सुरक्षा मांग सकते थे, वो आपको धमकी देके गया है, आपके पास पूरा एक घंटा था। उस धमकी के बाद क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या आपने सो नंबर पर डायल किया? क्या आप नजदीकी पुलिस चौकी में गए? क्या आप थाने में गए? क्या आपने थाने में जाके कंप्लेंट लिखाई कि इस तरह से एक एक आदमी मुझे धमकी देके गया है कि मैं एक घंटे बाद आऊंगा और तुझे आज मजा चखाऊंगा, तुझे जान से मारूंगा? आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप एक घंटे तक अपने घर में बैठे रहे, आपने किसी पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया, तो फिर ये जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है ये आपका खत्म हो गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी होता है जब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सके। एज फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से, सामने एक कार आ रही है, उसमें तीन आदमी बैठे हैं, आपकी एकदम से टक्कर हो जाती है, वो तीनों आदमी निकल के आपको पीटने लगते हैं और आपको वो डंडों से पीटने लगते हैं, आपके पास उस वक्त जेब में रिवॉल्वर है, आपने रिवॉल्वर निकाल कर उनके ऊपर गोली चला दी, तो यह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा ना करते तो वो तीनों आदमी, क्योंकि डंडों से आपको पीट रहे थे, आपके सर में भी मार सकते थे, आपकी हत्या भी हो सकती थी, और क्योंकि वो झगड़ा एकदम से अचानक हुआ है, आपकी बाइक उनकी कार से टकरा गई है और अचानक वो आपको पीटने लगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने फोन से पुलिस को सो नंबर पर डायल कर सकें, तो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की मदद ले सकें, तो वहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय था कि आप प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज को मांग सकते थे, तो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 99 आगे कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द
inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. तो सेक्शन 99 आगे ये कहता है कि जो प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस आपको केवल वहां तक ही अवेलेबल है जहां तक यह जरूरी है। इसका मतलब प्राइवेट डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप दूसरे व्यक्ति को केवल उतना हार्म पहुंचा सकते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को आप केवल उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी चोट आपके डिफेंस के लिए जरूरी है, आपके आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा चोट आपको नहीं पहुंचा सकती। उससे ज्यादा चोट अगर आपने पहुंचाई है तो इसका मतलब फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आपके ऊपर हमला कर रहा है, जैसे कि मैं पहले भी इस एग्जाम्पल को कई बार बता चुका हूं कि आपके घर में एक आदमी घुस आता है, उसके पास रिवॉल्वर है और वो सीधा आपके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसका मकसद है कि वो आपको जान से मारना चाहता है। उसने पहली गोली आपके ऊपर चलाई, फिर दूसरी गोली आपके ऊपर चलाई, खुशकिस्मती से आप दोनों बार बच गए। लेकिन तभी वहां पे कुछ आपके हाथ में आ गया, कोई जैसे घर में प्लायर्स पड़ा होता है, प्लायर्स घर में पड़ा होता है, या घर में कोई मोटी चीज पड़ी होती है, जैसे कोई हथौड़ा है या कुछ भी है, अचानक से कोई चीज आपके हाथ में आ गई और आपने फेंक के उसके मुंह पे मारा। वो जैसे ही उसके मुंह पे कोई चीज लगी, वो दर्द से बिलबिला उठा, उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट कर नीचे गिर गया। तो जैसे ही रिवॉल्वर हाथ से छूट के नीचे गिरा, आप दौड़े और आपने वो रिवॉल्वर उठाया, और रिवॉल्वर उठाने के बाद आपने उसके ऊपर धड़ाधड़ बाकी की चारों गोलियां चला दी और उसकी डेथ हो जाती है। सवाल यह है कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने तो अपनी आत्मरक्षा में इसके ऊपर चार गोलियां चलाई तो ये माना जाए कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है और मुझे छोड़ दिया जाए? क्या ऐसा माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये माना जाएगा कि आपने अपराध किया है और आपको सजा भी मिलेगी। बहुत से बहुत ये हो सकता है कि मर्डर की सजा ना मिले, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा मिले, गैर इरादतन हत्या की सजा मिले, ये हो सकता है हत्या की सजा ना मिले। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 99 यह कहता है कि उतनी क्षति आपको दूसरे व्यक्ति को पहुंचानी है जितनी क्षति आपके आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। तो अब उस एग्जाम्पल में आप देखिए, जब तक रिवॉल्वर उसके हाथ में था आपको आत्मरक्षा का अधिकार था, और अपने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए आपने जो फेंक के उसके माथे पे मारा वो ठीक था। लेकिन जब रिवॉल्वर आपके हाथ में आ गया और वह निहत्ता था, तो फिर आपको क्या प्राइवेट डिफेंस की जरूरत थी? रिवॉल्वर आपके हाथ में है, वह निहत्ता है, क्या अब भी आपको यह आशंका है कि वह आपको जान से मार देगा? जब रिवॉल्वर आपके हाथ में है तो फिर वह आपको जान से कैसे मार सकता है? फिर तो आशंका खत्म हो गई। और जब आशंका खत्म हो गई कि वह आपको जान से मार देगा, तो फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। फिर आपको अब यह अधिकार नहीं है कि आप उसको गोलियां मार दें। फिर आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसको कमरे में बंद कर सकते हैं, आप पुलिस बुला सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, इसको 307 धारा के अंतर्गत इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इस तरह की केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी हुए हैं। एक केस में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मुझे याद आता है कि एक के घर में कुछ डाकू घुस आए, और जिसके घर में डाकू घुस आए तो उसके पास भी कुछ रिवॉल्वर वगैरह थी। जब उन्होंने हमला किया तो उस व्यक्ति की वाइफ तक की उन्होंने हत्या कर दी। जो घर में डाकू घुसे थे उन्होंने उस व्यक्ति की वाइफ तक की भी हत्या कर दी। तो उस आदमी ने अपने रिवॉल्वर से उनके ऊपर फायर किया। तो जब फायर किया तो एक आदमी की वहीं पे मृत्यु हो गई, बाकी के दो भाग निकले। तो जब वो गली से भाग रहे थे तो भागते हुए की कमर पर पीछे से उस व्यक्ति ने गोली चलाई और उसमें से एक की मृत्यु और हो जाती है और एक भागने में सफल हो जाता है। कोर्ट ने फिर यह माना कि जिस व्यक्ति को घर के अंदर गोली मारी थी
उसने ये देखा कि मेरी वाइफ की तो इन्होंने हत्या कर दी है, अब मेरी भी हत्या करने वाले हैं, और उन्होंने उसने सेल्फ डिफेंस में जो गोली चलाई, एक व्यक्ति को गोली लगी जिसकी डेथ हो गई और घर के अंदर ही वो गिर पड़ा। वहां तक तो ठीक है, आपने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि आपने वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किया। लेकिन जब भागते हुए व्यक्ति के ऊपर आपने गोली चलाई तो फिर वहां आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं था, क्योंकि जो लोग भाग रहे हैं उनसे आपको आशंका नहीं है कि वो अब आपकी हत्या करेंगे, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं जान बचाकर, तो वहां आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। हाँ, आप उनके पैर में गोली मार सकते थे ताकि वो भाग ना सके, आप उनको अरेस्ट करवा सकते थे, लेकिन भागते हुए लोगों की कमर पे गोली आपने चलाई और उनकी हत्या कर दी तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास नहीं है। तो सेक्शन 99 ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट केवल वहां तक है जहां तक जरूरी है। प्राइवेट डिफेंस के तहत आप उस हद तक चोट पहुंचा सकते हैं जिस हद तक चोट पहुंचाना आपकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। आज इतना ही रखेंगे, 20 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं। इसमें अभी बचता है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 इनको मैं कल लेकर आऊंगा आपके सामने, और कल सेक्शन 99 को हम समाप्त कर देंगे। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार।